Vineet. Vineet. मेरी बात सुनो. हार्ट कंडीशंस आजकल के जमाने में बहुत कॉमन बात है. 35 की उम्र में. विनीत, डॉक्टर ने कहा है ना सर्जरी से सब ठीक हो जाएगा. वो डॉक्टर की बातें है ना, मुझे बहुत ही निगेटिव लग रही थी. पहले टेस्ट करो, उसके बाद सर्जरी, और उसके बाद दवाई लेके भी ख्याल रखना पड़ेगा. विनीत, अब मुझे तुम बहुत नेगेटिव लग रहे हो. कर लो ना टेस्ट, जो भी है पता चल जाएगा. या फिर हम किसी और डॉक्टर के पास जाके चेकअप कर ले. गुरुजी थे तब सब ठीक चल रहा था, कभी डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही नहीं आई. ये सब उनके गुजरने के बाद शुरू हुआ है. हाँ, पर वो आखिर खुद को भी तो बचा नहीं सके, उन्हें भी हॉस्पिटल जाना ही पड़ा. आशा, उनकी उम्र क्या थी? विनीत, नाराज मत हो. सुनो तो, विनीत, ये डॉक्टर लोग कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. कई बार ऐसे प्रॉब्लम का कारण स्पिरिचुअल होता है. डॉक्टर से इलाज लेके एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई रूप से वो बाहर निकलेगा ही. तो अब क्या करोगे, कोई नया गुरुजी ढूंढोगे? हाँ, एक स्पिरिचुअल हीलर है मुंबई में, यही कोई आधे एक साल से. मेरा एक दोस्त है, उसके पिताजी का भी हार्ट इशू था, सर्जरी के बिना प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उनकी. सभी बीमारियों का इलाज करती है वो. करती है? हाँ, माया नाम है. ट्राई करने में क्या जाता है. आप यहां पहली बार आए हैं? हाँ, मैं पिछले 2-3 हफ्तों से आ रहा हूं. बहुत कमाल की है ये. अच्छा, ये देखिए, कुछ दिखाई दे रहे? नहीं नहीं ना, बहुत सीवियर आई इन्फेक्शन था. सर्जरी करने पर आईसाइट खो जाने का डर था, लेकिन इन्होंने सिर्फ 2-3 सेशंस में ऑलमोस्ट पूरा ठीक कर दिया. अच्छा, जी आपका नाम क्या बताया आपने? विनीत कदम. ओके, आप बस 2 मिनट यहां वेटिंग रूम में रुकिए, मैं आपको बुलाऊंगा. ठीक है. क्या इतनी कम उम्र में हार्ट प्रॉब्लम? हाँ ना, मैं भी शॉक हूं. अभी तक मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुआ. जी आप आइए प्लीज. नमस्ते, मैं विनीत कदम. तुम्हारे हार्ट के एरिया में कुछ तो प्रॉब्लम है विनीत? हाँ, डॉक्टर ने बताया था कि आर्टरी ब्लॉकेज हो सकता है. तुम्हारी उम्र लगभग 35 के आसपास है? हाँ, 35 ही है. ऐसे हाथ उठा के दिखाओ.
तुम कोई जॉब करते हो विनीत? हाँ, मैं सीए हूँ, पिताजी की फर्म में काम करता हूँ। तुम और तुम्हारी वाइफ दोनों किसी नए घर में शिफ्ट हुए हो? हाँ, माँ बाप पुराने घर में रहते हैं। तुम दोनों में से किसी की बर्थडे 22nd है क्या? एक्चुअली हम दोनों का भी 22nd को ही है, लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? अच्छा, एक और रिपीटिंग डिजिट वाला नंबर स्ट्रॉन्गली सेंस हो रहा है मुझे, आई थिंक 77। इसका कुछ महत्व है तुम्हारे लाइफ में? हाँ, हमारी फैमिली के गुरुजी थे जो 77 की उम्र में ही गुजर गए। उनके आत्मा की मौजूदगी में यहाँ पे अभी अभी महसूस कर रही हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तभी मैं सोचूं कुछ तो अलग ही वाइब्रेशंस क्यों मुझे महसूस हो रहे हैं। उन्होंने काफी सारी समस्या सुलझाई हुई है तुम्हारे परिवार की। हाँ, मतलब जब पिताजी फाइनेंशियल क्राइसिस में थे तब गुरुजी ने एक भी पैसा नहीं लिया था उनसे। वही तो तुम्हें मेरे पास लेके आए विनीत। ठीक है, अब वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, तुम्हारी आधी प्रॉब्लम तो तुम्हारे गुरुजी ही सुलझा देंगे, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, रेडिएशन से प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ ठीक है। तुम्हारे सीने में कहाँ पे दर्द हो रहा था? यहाँ पर। मेरी आंखों में देखो एकदम ध्यान से, नजर मत हटाना बिल्कुल। कुछ फील हो रहा है इस जगह पर? हाँ, कुछ अजीब सा प्रेशर और हीट फील हो रही है। बहुत अच्छे, अब तुम अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करके, आंखें बंद करके एकदम जोर से सांस लेनी है मेरे इशारे पर। सांस अंदर लो, सांस बाहर, अंदर बाहर। अब धीरे से आंखें खोलकर मेरे हाथ पर फोकस करो एकदम ध्यान से। अब तुम्हारे चेहरे से निगेटिव एनर्जीज खींचते हुए तुम्हें महसूस होगी। तुम्हारा सर भारी होके मेरे हाथ पर गिरने लगेगा। अब जोर से सांस लो, सो जाओ। अब जोर से सांस लो, सांस को रोक के रखो, सांस छोड़ दो। अब एकदम आराम से धीरे से लेट जाओ। मेरी आवाज ध्यान से सुनो, मेरी हर चुटकी बजाने के बाद तुम्हारा चेस्ट का पेन धीरे धीरे पिघलते जाएगा, एकदम गर्म तवे पे रखे बर्फ की तरह। पिघलते पिघलते तुम्हें एकदम ही पॉजिटिव गर्म फीलिंग महसूस होगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच। अरे कुछ तो बताओ, क्या हुआ वहां पर, ऐसा क्या किया उसने? वैसे सच बताओ तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मतलब? उन्होंने मेरे छाती पर उंगली रख के डीप ब्रीदिंग करने के लिए कहा, उसके बाद मेरा दिमाग ही काम करने बंद हो गया और जब मुझे होश आया तब मैं बेड पे लेटा हुआ था। फिर क्या, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लाइफ का सारा प्रेशर दूर हो गया। उन्होंने पैसे भी नहीं दिए, कहा कि रिजल्ट मिलने के बाद देख लेंगे। कुछ भी, ऐसे थोड़ी ना होता है हार्ट प्रॉब्लम सॉल्व। अरे सच में? अरे हाँ, प्रूव करके दिखाऊं, दिखाऊं प्रूव करके, दिखाऊं प्रूव करके। अरे माया जी, आपने क्या जादू की पता नहीं, इतने दिन से कुछ तकलीफ नहीं, कुछ पेन नहीं। मैंने कहा था ना, तुम्हारे गुरुजी तुम्हारा आधा काम कर देंगे। अब दर्द पूरी तरीके से चला गया? हाँ, पूरी तरह से चला गया है। वाओ, दैट्स ग्रेट।
जस्ट रिलैक्स, एकदम आराम से जोर से सांस लो। अब तीन बोलते ही तुम ये सब भूल जाओगे कि तुम्हारे साथ यहां आने पे क्या हुआ था। एक, दो, तीन। विनीत, तुम्हारे गुरुजी चाहते हैं कि तुम्हारे बैंक के सेविंग अकाउंट में से 5 लाख रुपया तुम किसी अच्छे काम के लिए डोनेट करो, किसी ऐसे को जो तुम्हारे जैसे बीमार लोगों की मदद कर सके। ऐसे करने से तुम्हारे कर्मों के अकाउंट में पुण्य बढ़ेंगे और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अब हमारा सेशन शुरू होता है। मेरे हर चुटकी बजाने के बाद तुम्हारे चेस का पेन धीरे धीरे से कम होकर पूरी तरीके से चला जाएगा और फिर कभी भी तुम्हें चेस पेन या सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। 1, 2, 3, 4। देखो, ये जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। मुझे भी विश्वास हो रहा है तुम्हारी बातों पर, लेकिन फिर भी सेफर साइड के लिए एक बार डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं। अरे बोला ना ठीक, इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? और तकलीफ ही नहीं है तो पैसे की बर्बादी क्यों? विनीत, ये बैंक से 5 लाख रुपए विड्रॉ होने का मैसेज क्यों आया है? क्योंकि मैंने 5 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं। और ये मुझे कब बताओगे तुम? बताना भी। लेकिन क्यों विनीत? मेरे कर्मों के अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए। ओके, बाय। एक सेकेंड विनीत। माया को देने से अच्छा किसी एनजीओ को दे देते, वो क्या करेगी इतने पैसों का? मुझे दूसरे किसी पे इतना विश्वास नहीं है जितना उन पे है। अच्छा सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो ना। एक्चुअली मैंने काफी दिनों से तुमसे ये बात छुपा कर रखी थी। वो तुम्हारे हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं तुम्हें और प्रेशर नहीं देना चाहती थी। विनीत, विनीत एक सेकंड, ये लैपटॉप बाजू में रखोगे? कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, सॉरी सॉरी, बोलो। मुझे कुछ ही दिनों पहले पता चला है कि आई एम प्रेग्नेंट। व्हाट? उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी तभी डॉक्टर ने कहा था कि उसका ब्लॉकेज क्रिटिकल स्टेज पर था। अर्ली स्टेज में ही सर्जरी की होती तो वो बच जाता। मतलब? आशा, मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन सच कहूं, मौत पर बुरा होने का ठप्पा लगाया है समाज में, ये सच नहीं है। इंसान के भोग खत्म होने पर आत्मा शांत हो जाती है, उसे मुक्ति मिल जाती है,
लास्ट सेशन में ही मुझे पता चला था उसके निगेटिव एनर्जी का ब्लॉकेज था, वो साफ हो चुका था। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होगा आशा, मुझे तुम्हें दिखाकर बताना पड़ेगा। क्या दिखाकर? मैं अभी अभी यहां विनीत की आत्मा महसूस कर रही हूं आशा, वो तुमसे कुछ कहना चाहती है। एक सेकंड, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूं, चलो मेरे साथ। यहां बैठ जाओ। यहां पर अपनी दाएं हाथ की उंगली रखो। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हारी विनीत से बात करवा सकती हूं। प्लीज सीट हियर। एनर्जी इंटरफेरेंस ना होने के लिए प्लीज अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। अब तुम्हारा ध्यान सिर्फ मेरी आंखों में होगा, नजर मत हटाना बिल्कुल। मेरा हाथ पकड़ो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ मेरी आवाज पर होगा। जस्ट रिलैक्स। अब जोर से सांस लो, सांस को रोक के रखो, सांस छोड़ दो। शाबाश। अब एकदम आराम से लेट जाओ। आशा, मैं विनीत बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे गुरुजी ने कहा था मेरा मुक्ति का समय हो गया है। तुम्हें जो कुछ भी तकलीफ हुई और आगे होगी उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। हमारा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा कामयाब इंसान बनेगा और तुम माया का साथ कभी मत छोड़ना। विनीत, विनीत कुछ सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। विनीत तुम ही हो ना? हेलो। हाँ आशा। हाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। माँ जी है ना हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ? हाँ है ना। मैं जरा घर आई थी डिस्चार्ज के अरेंजमेंट्स करने, मैं आ रही हूँ वहीं पर हॉस्पिटल में। मेरे कुछ ड्रग टेस्ट करवाने हैं। क्यों? आई एम श्योर ये माया कुछ इल्लीगल ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही है। क्या, कौन सा ड्रग? मैं आ रही हूँ वहीं पर, फिर बात करेंगे। मेरे पास पूरा प्रूफ है। तुम माया जी को मिलने गई थी? हाँ। अच्छा सुनो, तुमने मेरे प्रेगनेंसी के बारे में माया को कुछ बताया था क्या? नहीं तो। किसी और को बताया था? नहीं, ये बात तो मैंने किसी और को नहीं बताई थी। हाँ लेकिन मैंने फेसबुक पे स्टेटस डाला था। फेसबुक पर? हाँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ वहीं पर, फिर बात करेंगे। ओके।
तुम्हारा ध्यान सिर्फ मेरी आंखों में होगा, नजर मत हटाना बिल्कुल। मेरा हाथ पकड़ो। आशा, मैं विनीत बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे गुरुजी ने कहा था मेरा मुक्ति का समय हो गया है। तुम्हें जो कुछ भी तकलीफ हुई, हेलो पुलिस स्टेशन, लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स या बीमारियां होती है तो उसके कुछ स्टैंडर्ड उपाय होते हैं, जैसे कि डॉक्टरी इलाज। लेकिन कुछ लोग चमत्कार या मैजिकल उपायों के पीछे जाते हैं, फिर ऐसे लोग इस फिल्म में दिखाए गए माया जैसे चालाक लोगों के चंगुल में आके फंसते हैं। फंस जाने के अलावा दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि सही डॉक्टरी इलाज बंद हो जाता है। ये ढोंगी बाबा लोग जो होते हैं वो खुद का बड़प्पन दिखाने के लिए सभी डॉक्टरी इलाजों को बंद करने के लिए कहते हैं, और फिर इस फिल्म के विनीत के जैसे पेशेंट की हालत और बिगड़ती जाती है और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुशिक्षित लोग, अच्छे लोग ऐसे बाबाओं के, ढोंगी बाबाओं के चंगुल में कैसे फंसते? पहला तरीका है कोल्ड रीडिंग। कोल्ड रीडिंग का मतलब ये होता है कि पहली मुलाकात में उस आदमी को उसी के बारे में जानकारी देके चौंका देना। दूसरा तरीका होता है ब्रेन वॉशिंग। ये ढोंगी बाबा लोग और उनके जो शिष्य होते हैं वो बार बार दोहराते रहते हैं कि बाबा कितने ग्रेट है, और दूसरी तरफ से ये भी कहते रहते हैं कि डॉक्टर इलाज कितने फालतू है। डॉक्टर अक्सर सच बोलते हैं। अगर पेशेंट की कंडीशन ख़राब है, पेशेंट की इलाज नहीं हो सकता है, तो डॉक्टर खुद बता देते हैं। लेकिन पेशेंट या उसके रिश्तेदारों को यह बड़ा निगेटिव लगता है। उसकी तुलना में अगर देखा जाएगा तो बाबा लोग बड़े बड़े टॉल क्लेम्स करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और पेशेंट को पूरी तरह से ठीक करने के वादे करते हैं। लेकिन पेशेंट या उनके रिश्तेदारों को यह बड़ा पॉजिटिव लगता है, हालांकि वो सच नहीं भी होता है। तीसरा तरीका यह है कि कुछ बाबा लोग सम्मोहन यानी हिप्नोसिस का भी इस्तेमाल करते हैं। ये दो तरह से किया जाता है। पहला तरीका यह है कि सडन अचानक कुछ मूवमेंट करके पेशेंट को हिप्नोटाइज करना। आपने भी कई कहानियां सुनी होगी कि अचानक रोड पे या घर में कोई आदमी सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर कुछ सडन सरप्राइजिंग मूवमेंट करके लोगों को हिप्नोटाइज करता है, और फिर वो हिप्नोटाइज किया हुआ आदमी या औरत खुद अपने हाथ से अपने गहने और पैसे निकाल के उस आदमी को दे बैठते हैं। या तो फिर कुछ स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं जो स्टेज के ऊपर लोगों के सामने पेशेंट को बुला के उनको सडन हिप्नोटाइजिंग मूवमेंट्स करके हिप्नोटाइज करके सुला देता है। ये हिप्नोसिस करने का दूसरा तरीका ये भी होता है कि लोगों का कॉन्सेंट्रेशन आस्ते आस्ते इकट्ठा कॉन्सेंट्रेट करके उनको हिप्नोटाइज करना। लेकिन एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हिप्नोसिस से शारीरिक बीमारियाँ जैसे कि डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, कैंसर है, ये ठीक नहीं हो सकते। लेकिन जो मानसिक तकलीफें हैं, एडिक्शंस जैसी या दर्द है, उनका इलाज हिप्नोसिस से ज़रूर हो सकता है।